गया रेलवे स्टेशन से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है एक ऐसा मंदिर जहां होती है प्रेत आत्माओं की पूजा, और इस मंदिर का नाम है प्रेतशिला मंदिर, जिसे प्रेतशिला वेदी के नाम से भी जाना जाता है। प्रेतशिला मंदिर का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। कहा जाता है कि यहां ब्रह्मा जी ने महायज्ञ किया था। यज्ञ का हवन कुंड आज ब्रह्म कुंड के नाम से जाना जाता है। गया के साथ साथ लोग यहाँ पर पितरों का पिंडदान करने भी आते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो प्रेतशिला मंदिर को बाकी सभी मंदिरों से अलग करती हैं। वो है यहाँ पर ब्रह्मा जी के पैरों के निशान, और यहाँ पर एक प्रेतशिला पत्थर जिसमें कैद हैं न जाने कितनी ही आत्माएं। इन सब के बारे में हम आगे चलकर जानेंगे। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर इस मंदिर की स्थापना हुई कैसे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ब्रह्मा जी ने महायज्ञ किया था। महायज्ञ संपन्न होने के बाद जब वो यहाँ से जाने लगे तो उन्होंने यहाँ के लोगों को यह आशीर्वाद दिया कि जो भी व्यक्ति जिसके किसी परिजन की अकाल मृत्यु हुई होगी, यदि वो आकर अपने उस परिजन का पिंडदान करेगा तो उसके उस परिजन को मोक्ष की प्राप्ति होगी, अर्थात उसे प्रेत योनि में भटकना नहीं पड़ेगा। यह आशीर्वाद देकर वह चले गए। फिर उसके बाद यहाँ पर इस मंदिर की स्थापना हुई, जहाँ पर देश के कोने कोने से लोग अपने पितरों का पिंडदान करने आते हैं। यह आप देख सकते हैं, यही ब्रह्मकुंड है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पितृपक्ष के महीने में ही पितरों को पिंडदान दिया जाता है, लेकिन पूरे भारत में प्रेतशिला एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पूरे वर्ष आप अपने पितरों का पिंडदान कर सकते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर वही लोग आते हैं जिनके किसी परिजन की अकाल मृत्यु हुई हो, और यह माना जाता है कि पितृपक्ष के महीने में हमारे पितर किसी ना किसी रूप पर पृथ्वी पर आते हैं और हमारे द्वारा दिए गए पिंड को ग्रहण करने के बाद वापस स्वर्गलोक चले जाते हैं। प्रेतशिला मंदिर में जो मूर्तियाँ हैं वह हजारों वर्ष पुराने बेशकीमती काले पत्थर से बनी हुई हैं, जो कि आपको इस समय देखने को नहीं मिलेंगी, और इस प्रकार के पत्थर भी अब मिलना बहुत ही नामुमकिन है। तो आप देख सकते हैं यह काले पत्थर की बनी हुई हैं, और भी बहुत से किलों में आप देखेंगे कि जो भी मूर्तियां बनी हुई हैं वह इसी प्रकार के काले पत्थरों से बनी हैं, जो कि उस समय बहुत ही बेशकीमती हुआ करते थे। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक डोलियाँ रखी गई हैं। यह डोलियाँ उन लोगों के लिए है जो लोग पहाड़ पर चढ़ने में असमर्थ हैं। आप लोगों को बता दूँ कि यह पहाड़ 1000 फुट ऊँचा है और जिसमें 676 सीढ़ियाँ हैं, और इस डोली से वहाँ पर आने जाने का किराया है 1200 रुपये, जिसमें जाने का 800 और आने का 400 रुपये है। यह लोग आपको जब ऊपर लेकर जाएंगे तो आपकी पूरी पूजा संपन्न होने के बाद ही आएंगे, ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ छोड़कर आ जाएंगे। यहाँ से प्रेतशिला पहाड़ की चढ़ाई शुरू होती है। यह पहाड़ लगभग 1000 फुट ऊंचा है और यहाँ पर 676 सीढ़ियाँ हैं। उन सीढ़ियों के चढ़ने के बाद ही आप मंदिर तक पहुँच पाएंगे, और रास्ते में यह वट का वृक्ष है जिस पर आप देखेंगे हजारों फोटोज टंगी हुई हैं। यह फोटोज उन लोगों की है जिनकी किसी कारणवश अकाल मृत्यु हो गई है। तो यहाँ पर फोटोज इसलिए है कि जब उन लोगों का पिंडदान किया जाता है तो उन लोगों की फ़ोटो व उनके द्वारा पहना गया कोई भी कपड़ा लाया जाता है, उसके बाद ही उनका पिंडदान संपन्न होता है। सीढ़ी पे चढ़ते समय आपको मिलेगा माँ कामाख्या माता का मंदिर, और मंदिर के पास ही बहुत सी अकाल मृत्यु जिन लोगों की हो गई हैं उनकी फ़ोटोज़ टंगी हुई मिलेंगी। यह फ़ोटोज़ यहाँ इसलिए है क्योंकि जो लोग पहाड़ पर चढ़ नहीं पाते तो वो लोग यहीं पर ही अपने पितरों का पिंडदान कर देते हैं, और यह आप जो पैर के निशान देख रहे हैं
यह ब्रह्मा जी के नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी के ओरिजिनल पैरों के निशान इस पहाड़ पर बने हुए प्रेतशिला मंदिर में हैं, जो कि आगे चलकर हम लोग देखेंगे। यह जो लोग आप बैठे हुए देख रहे हैं, यह लोग नीचे से लोगों को मंदिर तक पहुंचाते हैं डोली में बिठाकर, जो कि मैंने आपको नीचे बताया था। आज इन लोगों को एक भी सवारी नहीं मिली, जिसकी वजह से ये लोग थोड़ा उदास हैं। दोस्तों, इस मंदिर के बारे में बहुत से लोगों ने बहुत सी गलत अफवाहें भी उड़ाई हुई हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को इस मंदिर से जुड़े जो सत्य हैं उसी को उजागर करने की कोशिश करूंगा। और मैं यहाँ के लोगों से, जो कि यहाँ पे पंडित हैं, जो कि मुख्य पंडित हैं, उनसे ही इस मंदिर के बारे में जानने की कोशिश करूंगा। सांगा नहीं जाना देते, मत देते। ये देखिए, ये ब्रह्मा का चरण है, ये उड़ी है, ये अंगूठा है, ये चिन्ह लगी है। 25 आप रख दीजिए, 25 का। और एक यहाँ इस चरण पे देखिए, एड़ी पे है दो, और एक है यहाँ इसी के बगल में, यहाँ देखिए है ना, भगवान ब्रह्मा का चरण, ये एड़ी है, ये अंगूठा। तुम छुपे मस्तक पर जल लगा लीजिए। यहाँ जग किए थे, जग करके ये वरदान दिए, पिता माता भाई बंधु इष्ट मित्र चाचा चाची दादा दादी नाना नानी सास ससुर सभी का उद्धार है। 1484 कुलों का, जिसका कोई गिनती नहीं है, सबका उद्धार है। यदि कोई अकाल मृत्यु मर गया, आग लगा के, जहर खा के, एक्सीडेंट से, छत से, पेड़ से, दुर्घटनाग्रस्त होके, रोग से पीड़ित होके, गर्भपात होके, ऐसा कोई प्राणी मर गया है या कोई तंत्र मंत्र जंत्र करके मार दिया है, वो उसका इसी जगह स्थान पे पिंड देने से उस प्राणी का मुक्ति है, चाहे वो नेचुरल डेथ हो या अकाल मृत्यु हो या एक्सीडेंटल हो, सभी का मुक्ति का स्थान यहाँ ही है। पहले फलगो, उसके बाद प्रेतशिला, तभी आप अन्य जगह काम करने का हकदार हैं, नहीं तो नहीं अकदार है। मतलब आत्मा को शांति तभी मिलेगी, हाँ, जब तक योनि से मुक्ति करने के बाद ही उस प्राणी का मुक्ति है, चाहे वो नेचुरल हो या एक्सीडेंटल हो। ये शिला हुआ भूतनाथ का शिला, या मरीचि ऋषि की पुत्री थी धर्मवत्ता, उसका नाम था शिला, जो श्राप से पत्थर होके रह गई। यहाँ पितरों और प्रेतों का सत्तू उड़ाने का विधान है, जो मर जाते हैं। जेके चित प्रेत रूपे न वर्तन्ते पितरो मम ते सर्वे तृप्त मायंतु सत्तू भी तिल मिश्रते, उड़द सतुआ पितरों को बैठो, उड़द सतुआ प्रेतों को बैठो, बोल के इस पर छिटा जाता है। चने का सत्तू, जौ का सत्तू, गेहूं का सत्तू लोग घर से ला के बना के यहाँ छिटते हैं। जो नहीं लाते वो हाथ जोड़ के 3 बार परिक्रमा कर लेते हैं। और ये ब्रह्मा विष्णु और महेश का ये प्रतीक है, यहाँ भी इनको चरण छू के नमस्कार करते हैं। जो कपड़े बांधे हुए हैं वो सब मरा हुआ प्राणी का कपड़े, जो उसका बदन का पकड़ा कपड़ा पहना हुआ है वही कपड़ा यहाँ बंधन होता है, उसका आत्मा को शांति के लिए। जो अंदर विष्णु भगवान में जो फोटो देख रहे हैं वो सब एक्सीडेंटल मृत्यु का फोटो है, वहाँ फोटो देने से उस आत्मा को पूजा होता है।
फोटो भी देते हैं और ये कपड़ा भी बांधते हैं। कपड़ा दोनों साथ ही साथ आता है, फोटो भी और कपड़ा भी दोनों एक साथ आएगा। आगे कोई आगे पीछे नहीं, दोनों एक साथ ही लाना होता है। हाँ, एक ही साथ ही लाना। और बाद में फोटो का क्या करते हैं? बाद में वो फोटो को विसर्जन कर दिया जाता है। गंगा जी? हाँ सर, जो भी जिनका मनो इच्छा मनोकामना पूर्ण हेतु यहाँ लोग मन्नत करते हैं वो आते हैं, अपना फल फूल प्रसाद लेके अपना माता का भोग लगाते हैं, उनका मनोकामना।